चुनाव के नतीजों पर महाकवरेज देखिए आशीष कपूर के साथ 23 मई को सुबह 7 बजे से केवल द अर्थ न्यूज पर। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। राबड़ी देवी ने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई ईडी की तरह चुनाव आयोग ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है और उससे मिलकर बेशर्मी से काम कर रहे हैं। वोटिंग के दिन तेजस्वी को फर्जी तरीके से फंसाने और बदनाम करने के लिए उनके पहचान पत्र पर उनकी फोटो की जगह किसी और की फोटो लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी वीवीपैट पर्चियों की जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को बकवास बताते हुए कहा कि हम ऐसी याचिकाओं को बार बार समय नहीं दे सकते। आम जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है और हम इसके बीच में नहीं आ सकते। 21 मई यानी आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मालेगांव बम धमाकों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए अदालत से राहत मिली है। एनआईए की विशेष अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और मधुकर चतुर्वेदी को पेशी से छूट दे दी है। इन तीनों ने निजी समस्या और परेशानी बताते हुए अदालत से रियायत की मांग की थी। कोर्ट ने पेशी से छूट के साथ आरोपियों के वकीलों को विस्फोट स्थल पर जाने की अनुमति भी दे दी है। ऑल जेएनके पीएचई कैजुअल एनसीपी वर्कर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जल्द अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो डिमांडें हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जैसे पेंडिंग वेजेस का मसला है, एसआरओ 520 के तहत जो डिलीवरेजर रेगुलाइजेशन का मसला है जो अभी तक कहीं भी नहीं चल रहा है। हमारे आपने देखा होगा पिछले दिनों स्ट्राइक भी हुई थी 24 घंटे की, जो काम छोड़ स्ट्राइक हुई थी और पूरे जम्मू का प्राविंस का पानी बंद रहा था, तो हमने जनता की परेशानियों को देखते हुए काल को जो है वापस ले लिया था। आने वाले दिनों में अगर हमें सरकार मजबूर करती है तो हमें हो सकता है कि 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पर जाना पड़े और उसके वजह से जो भी जम्मू प्रोविंस में परेशानी खड़ी होगी उसकी जवाबदेह सरकार होगी, फ्रंट इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। 23 मई को चुनाव नतीजों के आने से पहले समूचे विपक्ष ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर बैठक की और विचार विमर्श किया। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में 19 विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस, सीपीएम, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रालोद, टीएमसी, एनसीपी के नेता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव परिणाम आने में 2 दिन का वक्त है। एग्जिट पोल्स के आने के बाद अनुमानों के बाद से विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है। इस बीच देश भर में ईवीएम गड़बड़ी, विसंगति और मशीन बदलने की आशंकाओं का मुद्दा गर्मा गया है। ऐसे समय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चुनाव आयोग को नसीहत दी है। प्रणब मुखर्जी ने बयान जारी करते हुए कहा, इस मामले में संस्थागत अखंडता सुनिश्चित करने का दायित्व ईवीएम की सुरक्षा चुनाव आयोग के पास है। उन्हें ऐसा करना चाहिए कि सभी अटकलों पर विराम लगाना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर अपना बयान जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी विधायक तिरोंग अबो और उनके परिवार के 6 अन्य लोगों की एक हमले में मौत हो गई। घटना अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के बोगापानी गांव में हुई, जहां हमलावरों ने तिरोंग अबो समेत 6 लोगों की हत्या कर दी। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। 2019 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आए और नतीजों का दिन 23 मई को है, लेकिन अलग अलग एजेंसियों का एग्जिट पोल आते ही राजनीतिक बहस का नया दौर शुरू हो गया। राजनीतिक बहस के साथ साथ शेयर बाजार में भी एग्जिट पोल का असर दिखा। एग्जिट पोल के नतीजों से शेयर बाजार पिछले 10 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। एग्जिट पोल के संकेतों के बाद दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर दलाल स्ट्रीट तक सरगर्मियां बढ़ गई है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी अपना किला और मजबूत करने में जुट गई है। हालांकि विपक्षी दलों ने भी ईवीएम पर सवाल उठाने के बावजूद हथियार नहीं छोड़े हैं।
लोकसभा चुनाव के 300 से ज्यादा सीट जीतने के भरोसे के साथ बीजेपी ने एनडीए को और मजबूत करने तथा अगली सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज दिल्ली में एनडीए दलों की बैठक बुलाई है। इसके साथ ही बीजेपी बीजू जनता दल टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस से संपर्क में है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन बेग ने एक बयान देकर अपनी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में पार्टी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं और मुसलमानों से अपील की कि यदि एनडीए सत्ता में वापस आती है तो वो परिस्थिति से समझौता करें। जब उनसे पूछा गया कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं तो उन्होंने कहा ऐसा हो भी सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री स्थानीय मीडिया द्वारा उन पर और उनके परिवार पर तंज कसे जाने को लेकर नाराज हैं। मीडिया में कांग्रेस और जेडीएस के भविष्य को लेकर आने वाली अटकलों से भी वो नाखुश हैं। इस पर एचडी कुमार स्वामी का कहना है कि हमें गलत तरीके से चित्रित करने की वजह से मीडिया को नियंत्रित करने का कानून लाया जाएगा। जेडीए द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत फ्लाई मंडाल में निशानदेही के दौरान लोगों और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई और हाथापाई हुई। इससे माहौल काफी बिगड़ गया। जेडीए के अनुसार जमीन विभाग के नाम है परंतु लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है। जेडीए उन इलाकों में क्यों नहीं जाती जहां उनकी हजारों कनाल जमीन पर कब्जे हुए हैं? क्या ये जेडीए का काम करने का तरीका है कि शक्ल देखकर थप्पड़ मारना? दो अलगाववादी नेता मीरवाइज मौलवी फारूक और अब्दुल गली लोन की मौत की सालगिरह पर अलगाववादियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। ईदगाह पर होने वाले हुर्रियत मार्च के आह्वान के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीनगर के कुछ हिस्सों में आज कर्फ्यू लगा दिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक के पिता मीरवाइज की हत्या इसी दिन 1990 में की गई थी।